हेलो एवरीवन, होप यू डूइंग वेल। माय नेम इज सुधांशु फ्रॉम मीरा इमिग्रेशन। सो जैसा कि आप जानते हैं, मैं रेगुलर अपडेट्स आपके पास लाता रहता हूँ डिफरेंट डिफरेंट इमिग्रेशन प्रोसेस से रिलेटेड। सो आज का जो मेरा जो टॉपिक है वो कनाडा ऑन्टारियो पीएनपी से रिलेटेड है। तो प्लीज आप इस वीडियो को टिल एंड तक देखिए ताकि आप इसके बारे में पूरा जान पाए। तो आइए शुरू करते हैं। सो जैसा कि आप जानते हैं, कनाडा जो बेसिकली दिसंबर 2020 से अभी तक कोई नॉर्मल ड्रॉज लेकर नहीं आया। स्टार्टिंग में सीईसी क्लास और पीएनपीज को काफी फोकस किया गया था, उनके ही ड्रॉज आ रहे थे। नाउ अडेज इस टाइम सिर्फ पीएनपीज को फोकस हो रहा है। इवन अगर मैं बात करता हूँ पीएनपीज को लेकर, तो ऑन्टारियो सबसे ज्यादा बूमिंग है, सबसे ज्यादा डिमांड में, कैसे प्रोविंस सबसे ज्यादा लोग उस पर जाना चाहते हैं। इससे पहले जितने भी ऑन्टारियो के नॉमिनेशन आए हैं उसमें कैपिंग रही है, बट इस टाइम जो लेटेस्ट न्यूज जो गवर्नमेंट ने लॉन्च की, जो 22 फेब को पब्लिश किया गया है, जिसकी न्यूज 23 फेब को लॉन्च की गई है, उसके अकॉर्डिंग ऑन्टारियो गवर्नमेंट ने अपना कैपिंग हटा दिया और उन्होंने जो मिनिमम सीआरएस जो उठाया है वो 455 प्लस सीरस वालों को उठाया है, जिसमें उन्होंने कुछ एनओसीज को स्पेसिफिक करा है, जैसे कि 0114 है, 0122 है या फिर 0124 है। इसके अलावा और भी एनओसीज है जिसकी लिस्ट आप हमारे डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं या फिर आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा नंबर है 8288555527। हमारे वीजा एक्सपर्ट्स आपकी हेल्प करेंगे। आप हमारे ईमेल आईडी पे भी जा सकते हैं जो है contact@iraimmigration.com, या फिर आप हमारी वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं www.iraimmigration.com। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।